आपके साथी को रुके हुए थे, पूरे आप सब लोग आ जाए, थोड़ा हॉल का इशू बड़ा संगठन हम देख लेंगे। हमारे पास में आदरणीय श्री प्रदीप नरवाल जी हैं, जो प्रियंका गांधी की टीम में राष्ट्रीय सचिव हैं, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं। उनके बगल में राहुल उत्तर प्रदेश कांग्रेस में सचिव हैं और ललितपुर के लिए प्रभारी हैं। आपके बगल में श्रवण कुमार साहू है, प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव है। बगल में भगवान दास पुरी जी है, झांसी जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हैं। हमारे बगल में चित्रकूट के जिलाध्यक्ष कुशल सिंह पटेल जी हैं। हमारे पास में सबसे युवा जिलाध्यक्ष बुंदेलखंड के दीपांशु समाधिया जी हैं। बगल में बलवंत सिंह राजपूत जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ललितपुर है। छत्रपाल यादव जी बनाने के लिए, आपके आपसे रूबरू होने के लिए हमारे राष्ट्रीय सचिव जी माननीय आदरणीय प्रदीप नरवाल जी ने मजबूत स्तंभ है। हमारे प्रदेश के महासचिव, हमारे झांसी के अध्यक्ष कोरी साहब भगवान दास कोरी जी, हमारे प्रदेश के महासचिव मणिराम कुशवा जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी का महोबा में आगमन हो रहा, और जो भी रैली हुई वो गोरखपुर में हुई और दोनों रैलियों ने साफ कर दिया कि प्रियंका जी का जो विश्वसनीयता है, जिनका विश्वास और पूरे प्रशासन का उपयोग करके सिंचाई विभाग के पैसे से रैली का भुगतान भी करवाया, सरकारी स्टेट रेवेन्यू होगा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश जो है, अगर उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाया जाए, योगी जी जरूर बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लागू, कुछ कागजों पर अगर यहाँ रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए सब कुछ होता है। हम साथ बैठा हूँ, लगभग कुछ लोग रह गए होंगे बुंदेलखंड के खासकर, और ये वो लोग हैं हमारे सातों जिला अध्यक्ष जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए संघर्ष किया है। ये लोग तब खड़े रहे जब लोग कहते थे कांग्रेस पार्टी। प्रियंका जी आखिर मोहब्बत में ही क्यों, क्या प्रधानमंत्री को जवाब देने आ रही है, क्या कार्यक्रम? देखिए प्रियंका जी हमेशा हर उस इंसान को जवाब देती हैं जो इस देश की भाईचारे में विश्वास नहीं करते, जो इस देश के बंधुत्व में विश्वास नहीं करते। और जहाँ तक जवाब का सवाल है, प्रियंका जी ने पहली रैली जो की थी उत्तर प्रदेश चुनाव के समय, जो भी चल रहा है पूरा, पहली रैली उन्होंने बनारस में की थी जिसमें कम से कम 1.5 लाख लोग आए थे। और उस दिन आप हमारे पत्रकार साथी ने बताया कि इतनी बड़ी रैली बनारस में आज तक खुद प्रधानमंत्री नहीं कर पाए हैं, खुद पत्रकारों ने बात कही बनारस में। दूसरी रैली उन्होंने गोरखपुर में कही और गोरखपुर में इतनी भीड़ आई, फिर से पत्रकारों ने वही बात की कि आज तक गोरखपुर में इतने लोग खुद योगी जी के आने पर नहीं हुए। अब तीसरी रैली महोबा में है और महोबा बुंदेलखंड का एक ऐसा छोर माना जाता है, बीच का हिस्सा है जहाँ से एक कनेक्टिविटी और जहाँ पे एक लंबा संघर्ष रहा है, एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है। और इस धरती पे प्रियंका जी पहुँच रही हैं 27 तारीख को, और निश्चित हमारी रैली जो नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आए थे प्रधानमंत्री जी, उनसे बड़ी रैली होगी। और खैर उनकी रैली तो बहुत सरकारी थी, वो जिस रैली का कार्यक्रम का पैसा सिंचाई विभाग दे तो उस रैली से हम अपना क्या कंपेयर करें। ये हमारी रैली तो गरीब मजबूरों की रैली है, गरीब व्यक्ति पेट काट के अपने साधन लगा के आता है, अपने दो वक्त रोटी छोड़ के गाड़ी में बैठ के किराया दे के यहाँ तक पहुँचता है। ये रैली उस व्यक्ति की रैली है, उनकी रैली का पैसा तो पूरे सिंचाई विभाग ने दिया, वो तो नाप सुनाप कुछ भी लगा लें। और फिर भी हमारी रैली उससे बड़ी है हुई, ये रैली संघर्षों की रैली होगी, ये रैली उत्तर प्रदेश के सम्मान के लिए होगी, और ये रैली इस प्रदेश में बहन बेटियों के सम्मान के लिए, मजदूर के सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, कर्ज माफी के लिए। परिवार उनको राजनाथ सिंह को पार्टी से निकाल देना चाहिए ना। राजनाथ सिंह को जो अपने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थी दुष्यंत जी की माता जी, पूरे परिवार को निकाल दे, बाहर क्या दिक्कत है।
हिमाचल प्रदेश में बात ये नहीं है, बात ये है कि आप फकीरी का चोला पहनते थे, आपने क्या किया देश के लिए, फकीर बन के आए थे और अब पेट्रोल आपने 100 के पार कर दिया। मुझे शुक्र है 3 सीटों में लोगों ने उनको शक्ल उनके चेहरा असली चेहरा दिखाया जहाँ पर 10 रुपये कम कीमत हुई। आप तो फकीर का चोला पहन के आए थे, कहाँ बैठे हैं आप? 10 लाख का सूट पहन के आप माननीय अडानी को पूरा देश बेच के आप बैठे हैं और बात करते हैं परिवारवाद की, तो ये तो सब झूठी बातें हैं। और मोदी जी खुद जानते हैं कि उनकी बातों में सच्चाई नहीं रही और जनता ने विश्वास करना छोड़ दिया है। बहुत बड़ी परियोजना का लोकार्पण किया है आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने, तो क्या लगता है कि बुंदेलखंड की 19 सीटें उसमें कुछ मिलेगा? परियोजना इनकी ऐसी थी जैसे उमा भारती ने कहा था कि मैं जल समाधि लूंगी बुंदेलखंड नहीं बनाता हूँ, ऐसी इनकी परियोजनाएं हैं। तो इनकी परियोजना पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया, परियोजना के 15 लाख रुपये देने के भी तो कहते थे। तो बुलेट ट्रेन सब कुछ तो बोले बनारस को टोक्यो बना देंगे, बनारस में हर बाढ़ में पानी यहाँ तक आता है, छाती तक पानी आ जाता है। तो इनकी परियोजनाएं वादे सब झूठे जुमले, अब तो लो आप गूगल भी करेंगे जुमले के नाम से नरेंद्र मोदी लिखा हुआ आता है। तो देखिए बुंदेलखंड हमेशा से जनाधार एक अलग मसला है, सबसे बड़ा मसला है बुंदेलखंड की जनता की आवाज़, उनके लिए संघर्ष। राहुल जी ने कहा था बुंदेलखंड को हम आगे बढ़ाएंगे विकास करेंगे, तो यहाँ पे 7,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और किसानों का कर्ज माफी की गई थी और कोशिश की गई थी गरीब को इस लोकतंत्र में उसका बकाया मिले। और आगे भी कांग्रेस पार्टी जनाधार तो अपने आप मिल जाए, जनाधार का सवाल नहीं है। मोदी जी ने लोगों को बहकाया, जा देने बहकेंगे, लोग वापस आ गए हैं सबके सब। हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें कांग्रेस जीती है, 3 विधानसभा 1 लोकसभा। मैदान में काफी लाखों लोग आ जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे, हम कुर्सी लगाएंगे, मेजरमेंट करेंगे। आप बनारस में सुनिए, मैं तो आया हूँ, सुनिए उसी पे मार रहा हूँ। 27 को एक पत्रकार पूछ रहे थे कितने लोग आए हैं, मैंने पूछा रैली के बाद मैं आपसे पूछूंगा कैपेसिटी कितने लोग आए हैं। तो आपने इन दो उनको उठा रखा है माइक्स को, तो मैं कहूँगा आप फिर से 27 को आना रैली स्थल पे, तो मैं आपसे पूछूंगा कितने लोग आए हैं। कम से कम 2 लाख लोग यहाँ पहुँचेंगे।